एक विश्वास से भरा हुआ देश है, सपने और संकल्प लेकर के चलने वाला देश है। लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं, ऐसे निराशा में डूबे हैं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है, और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा। और ये स्टडी हो चुकी है, स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुका है और मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है, और डुमाने वाले लोगों पर भी होने वाला। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है, और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी ये लोग बिना सर पैर की बातें करने के आदि होने के कारण उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो खुद का कितना कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। कभी एक बात, कभी दूसरी बात, कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ। हो सकता है वो आत्मचिंतन करके खुद के अंदर जो विरोधाभास है उसको भी तो ठीक करेंगे। अब 2014 से ये लगातार कोस रहे हैं, हर मौके पर कोस रहे हैं, भारत कमजोर हो रहा है, भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं है, भारत की दुनिया में कोई वजूद नहीं रहा, न जाने क्या क्या कहा। और अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को दबका कर फैसले करवा रहा है। अरे पहले ये तो तय करो भाई कि भारत कमजोर हुआ है कि मजबूत हुआ है।
माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी जीवंत संगठन होता है, अगर एक जीवंत व्यवस्था होती है, जो जमीन से जुड़ी हुई व्यवस्था होती है, वे जनता जनार्दन में क्या चलता है, लोगों के अंदर उसका चिंतन करता है, उसे कुछ सीखने की कोशिश करता है और अपनी राह भी समय रहते हुए बदलता रहता है। लेकिन जो अहंकार में डूबे होते हैं, जो बस सब कुछ हम ही को ज्ञान है, सब हमारा ये सही सही है, ऐसी जो सोच में जीते हैं, उनको लगता है कि मोदी को गाली देकर के ही हमारा रास्ता निकलेगा, मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा। अब 22 साल बीत गए, वो गलत फहमी पाल करके बैठे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ, मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है और समझ के दायरे से भी काफी ऊपर है। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर, मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले, मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी, क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है, वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं, वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं, उनको उनको तुम्हारी ये गालियां, ये तुम्हारे झूठी बातें, कैसे क्यों वो भरोसा करेगा? अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला है, वो आपकी झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर मिला है,
शौचालय मिला है वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए, 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है, वो माताएं तुम्हारे झूठ को कैसे स्वीकार करेगी, तुम्हारी गलतियों को, गालियों को कैसे स्वीकार करेगी। आयुष्मान भारत योजना से 2 करोड़ परिवारों को मदद पहुंची है, जिंदगी बच गई है उनकी, मुसीबत के समय मोदी काम आया है, तुम्हारी गालियां को वो कैसे स्वीकार करेगा, कैसे स्वीकार करेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी गालियां, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि, आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी गालियों को, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिनको दशकों तक मुसीबतें में जिंदगी जीने के लिए तुमने मजबूर किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं, अपने लिए अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो, वो विश्वास का सुरक्षा कवच है, और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, आने सदस्य प्लीज, नहीं नहीं, ये तरीका उचित नहीं है आपका, कोई तरीका उचित नहीं है, नो, इस तरीके से सदन नहीं चलेगा, मैं आपको बता देता हूं, नो तरीका गलत है, बैठिए बैठिए, क्या सदन है, संसद है, बैठकर टिप्पणी करते हैं, सदन के नेता बोलते हैं जब कुछ शांत रखा करो, मर्यादा रखा करो चीजों की।